जय हिंद जय शिक्षक। वेलकम बैक टू माय चैनल। साथियों, अब हमारे विद्यालय बच्चों के लिए खुल चुके हैं। हम ई पाठशाला भी चला रहे हैं, ऑफलाइन क्लासेस भी यानी कक्षा शिक्षण भी कर रहे हैं, लेकिन साथ ही हमें अपनी भी तैयारी रखनी है क्योंकि निष्ठा मॉड्यूल से संबंधित अभी एक परीक्षा होने वाली है मूल्यांकन के लिए, तो हमें अपनी वो तैयारी भी रखनी है। तो आज मैं निष्ठा मॉड्यूल 14 विद्यालय शिक्षा में नई पहलें, इसके अंतर्गत जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं, टॉपिक्स हैं, उनके नोट्स आपके लिए शेयर कर रही हूँ। साथ ही कुछ प्रश्न भी हैं जिनके उत्तर आपको इसी वीडियो में मिलेंगे। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करिए, और यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम निष्ठा मॉड्यूल कोर्स 14 विद्यालय शिक्षा में नई पहलें की चर्चा करेंगे। शिक्षा मानव संसाधन विकास का मूल है, जो देश की सामाजिक आर्थिक बनावट को संतुलित करने में महत्वपूर्ण और सहायक भूमिका निभाती है। बेहतर गुणवत्ता का जीवन प्राप्त करने के लिए एवं अच्छा नागरिक बनने के लिए बच्चों का चहुमुखी विकास होना बहुत ज़रूरी है। शिक्षा की एक मजबूत नींव के निर्माण से इसे प्राप्त किया जा सकता है। इस मॉड्यूल में अधिगम के उद्देश्य हैं कि इस मॉड्यूल से शिक्षार्थी VDOSEL द्वारा स्कूली शिक्षा हेतु किए गए हाल के प्रयासों जैसे PGI, UDISE Plus आदि के बारे में जागरूकता प्राप्त कर स्कूल में क्रियान्वित कर पाएंगे। विद्यालय शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए समग्र शिक्षा के अंतर्गत उद्देश्यों और प्रावधानों को समझेंगे। स्कूलों में सीखने पढ़ने की आदतों को बढ़ावा देने के संदर्भ में पुस्तकालय की पुस्तकों के उपयोग और खेल, रसोई घर से जुड़ी बागवानी, किचन गार्डन, पोषण उद्यान, युवा और पारिस्थितिकी क्लब आदि प्रयासों के माध्यम से बच्चों को आनंदमय एवं अनुभवजन्य अधिगम के अवसर प्रदान करेंगे। समग्र शिक्षा विद्यालय शिक्षा के लिए समेकित योजना क्या है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 2018-19 में समग्र शिक्षा का शुभारंभ किया। विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में एक सर्वसमावेशी कार्यक्रम है जिसका विस्तार विद्यालय पूर्व से लेकर 12वीं कक्षा तक है। इसका उद्देश्य है कि विद्यालय शिक्षा की प्रभावशीलता, जिसे समरूप अधिगम प्रतिफलों एवं विद्यालय प्रवेश के समान अवसरों के रूप में मापा जाता है, का संवर्धन किया जा सके। इसमें सर्व शिक्षा अभियान SSA, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA और शिक्षक शिक्षा TE की 3 पूर्ववर्ती योजनाएँ समाहित हैं। परियोजना उद्देश्यों से शिक्षा की गुणवत्ता और व्यवस्था स्तर पर प्रदर्शन में सुधार के लिए विद्यालय परिणामों के आधार पर यह योजना राज्यों के उत्साहवर्धन जैसे बदलाव को चिन्हित करती है। इस योजना में विद्यालय की परिकल्पना विद्यालय पूर्व प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक से उच्चतर माध्यमिक स्तर तक एक निरंतरता के रूप में की गई है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रावधान और विद्यालयों के सीखने के प्रतिफलों में वृद्धि, विद्यालय शिक्षा में सामाजिक और जेंडर संबंधी अंतर को कम करना, विद्यालय शिक्षा के सभी स्तरों पर साम्यता और समावेश सुनिश्चित करना, विद्यालय शिक्षा के प्रावधानों में न्यूनतम मानक सुनिश्चित करना, शिक्षा के व्यावसायिक विकास को बढ़ावा देना, बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा यानी कि RTE अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन में राज्यों की सहायता और शिक्षक प्रशिक्षण के लिए नोडल एजेंसियों के रूप में SCERT राज्य शिक्षा संस्थानों और डाइट का सुदृढ़ीकरण करना और उन्नयन करना। योजना की विशेषताएं हैं, वर्तमान स्कूलों के उच्चतर माध्यमिक स्तर तक उन्नतीकरण और विद्यालय विहीन क्षेत्रों में स्कूली सुविधाओं के विस्तार के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण विद्यालयी शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुँच, बुनियादी सुविधाओं की पर्याप्तता उपलब्धता सुनिश्चित करना ताकि विद्यालय में निर्धारित मानदंडों का पालन सुनिश्चित हो, पुस्तकालय के सुदृढ़ीकरण के लिए प्रति विद्यालय ₹5,000 से ₹20,000 वार्षिक अनुदान, ₹25,000 का समग्र स्कूल अनुदान, स्कूल में बच्चों के नामांकन के आधार पर आवंटित किए जाने वाले ₹1,00,000, जिसमें कम से कम 10% स्वच्छ कार्य योजना पर खर्च किया जाना है, प्राथमिक विद्यालयों के लिए ₹5,000, उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए ₹10,000 और माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के लिए ₹25,000 तक की लागत के खेल उपकरणों के लिए वार्षिक अनुदान, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए प्रति विद्यार्थी प्रति वर्ष की दर से ₹3,500, बालिकाओं के लिए ₹200 प्रति माह भी शामिल है का आवंटन, जो कक्षा 1 से 12वीं तक किया जाना है। प्रत्येक बच्चे के लिए प्रति वर्ष ₹600 की दर से वर्दी के लिए भी आवंटन यानी यूनिफॉर्म के लिए भी आवंटन किया जाना है।
प्रत्येक बच्चे के लिए प्रतिवर्ष रुपये 250 से 400 की दर से पाठ्य पुस्तकों के लिए आवंटन। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों का कक्षा 6 से 8 का कक्षा 6 से 12 तक उन्नयन। शिक्षकों की गुणवत्ता में सुधार के लिए SCERT और DIET जैसे शिक्षा संस्थानों को मजबूत करना। स्मार्ट कक्षाएं, डिजिटल बोर्ड, DTH चैनलों के माध्यम से शिक्षा में डिजिटल प्रौद्योगिकी का उन्नत उपयोग करना। RTE अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को समर्थन सहित अधिनियम की धारा 120C के तहत प्रतिपूर्ति प्रदान करना। कठिन क्षेत्रों और कठिन परिस्थितियों में बच्चों के लिए आवासीय विद्यालय और छात्रावास की स्थापना। संतुलित शैक्षिक विकास को बढ़ावा देने के मद्देनज़र शैक्षिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों SWE विशेष फोकस जिलों, सीमा क्षेत्रों और नीति आयोग द्वारा चिन्हित 117 आकांक्षाशील जिलों को वरीयता। योजना का क्रियान्वयन कैसे होगा? योजना का क्रियान्वयन केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में एकल राज्य क्रियान्वयन सोसाइटी के माध्यम से विभाग द्वारा राज्य संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर किया जाना है। राष्ट्रीय स्तर पर मानव संसाधन विकास मंत्री की अध्यक्षता में एक संचालन परिषद और विद्यालय शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव की अध्यक्षता में एक परियोजना अनुमोदन बोर्ड है। संचालन परिषद को वित्तीय और कार्यकारी मानदंडों को संशोधित करने और योजना की समग्र संरचना के अंदर क्रियान्वयन के लिए विस्तृत दिशा निर्देशों को मंजूरी देने का अधिकार है। इस योजना के घटक क्या है? सबसे पहले है पूर्व प्राथमिक शिक्षा। समग्र शिक्षा के तहत विद्यालय पूर्व कार्यक्रम को मौजूदा बड़े भारत कार्यक्रम के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में मान्यता प्राप्त है, जिसमें प्राथमिक विद्यालय की प्रारंभिक कक्षाओं में आरंभिक भाषा एवं साक्षरता और आरंभिक गणना शिक्षण पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इस तरह से विद्यालय पूर्व से लेकर विद्यालय की शुरुआती कक्षाओं कक्षा 1 से 3 तक निरंतरता को मान्यता दी जाती है। दूसरा है समग्र शिक्षा के तहत पुस्तकालय अनुदान। पढ़े भारत बड़े भारत की गतिविधियों के पूरक के रूप में तथा सभी उम्र के विद्यार्थियों में पढ़ने की आदतों को घोषित करने के लिए विद्यालयों के पुस्तकालयों का सुंदरीकरण किया जा रहा है। समग्र शिक्षा के तहत खेल अनुदान। खेले भारत स्कूल में बच्चों और शैक्षिक प्रणालियों दोनों के लिए खेल अत्यधिक लाभकारी है। बच्चों के शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक और संज्ञानात्मक पहलुओं के विकास में खेल मदद करते हैं। सामाजिक कौशल, सामाजिक व्यवहार, जीवन शैली, आत्मसम्मान और विद्यालय उन्मुख दृष्टिकोण को तेज करने में भी खेल का बहुत योगदान है। पहली बार समग्र शिक्षा के तहत बच्चों के समग्र विकास के मद्देनज़र उन्हें खेलों में भाग लेने के अवसर दिए गए हैं। खेल उपकरणों के लिए अनुदान का प्रावधान किया गया है। हर सरकारी स्कूल को खेल अनुदान प्राथमिक विद्यालयों के लिए ₹5,000 और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए ₹10,000 और माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के लिए ₹25,000 तक की धनराशि, अंदर एवं बाहर खेले जाने वाले खेलों हेतु खेल उपकरण खरीदने के लिए प्राप्त होगी। मिश्रित विद्यालय अनुदान में इस योजना के तहत सभी सरकारी स्कूलों के खराब हो गए स्कूल उपकरणों के प्रतिस्थापन के लिए और अन्य आवर्ती लागत जैसे खेल सामग्री, खेल उपकरण, प्रयोगशालाओं, बिजली के शुल्क, इंटरनेट, पानी, शिक्षण सहायक सामग्री आदि के लिए वार्षिक आवर्ती विद्यालय अनुदान प्रदान किया जाता है। समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा तत्कालीन SSE RTE RMS AP योजनाओं के प्रमुख हस्तक्षेपों में से एक रही है। वर्ष 2018-19 से समग्र शिक्षा में CWSN सहित विद्यार्थियों के लिए शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार पर जोर दिया जा रहा है। इस प्रकार यह हस्तक्षेप समग्र शिक्षा के तहत एक आवश्यक घटक है। वर्तमान में समग्र शिक्षा का उद्देश्य विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के साथ सभी बच्चों को कक्षा 1 से 12 तक निरंतरता में शामिल करना है। कस्तूरबा गांधी विद्यालय क्या है? ये समग्र शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों में से एक स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर जेंडर और सामाजिक श्रेणी के अंतराल को दूर करना। इस योजना में 6वीं से 12वीं कक्षा में अध्ययन करने के इच्छुक 10 से 18 वर्ष की आयु वर्ग की वंचित समूह की लड़कियों तक शिक्षा की गुणवत्ता और सुगमता शिक्षा का प्रावधान है। समग्र शिक्षा की योजना में मौजूदा KGBV हेतु उच्च प्राथमिक स्तर से 12वीं कक्षा तक के उन्नयन का प्रावधान किया गया है। 6 से 12वीं कक्षा में पढ़ने की इच्छा रखने वाली 10 से 18 वर्ष की वह लड़कियां जो अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदायों और BPL परिवारों से संबंधित हैं, इस योजना का लक्ष्य समूह है।
आत्मरक्षा प्रशिक्षण, देश में लड़कियों के खिलाफ अपराधों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए उनकी रक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्कूलों में उन्हें आत्मरक्षा प्रशिक्षण प्रदान करना महत्वपूर्ण है। आत्मरक्षा प्रशिक्षण एक जीवन कौशल है जिससे लड़कियों को अपने परिवेश के बारे में अधिक जागरूक होने और किसी भी समय अप्रत्याशित स्थिति के लिए तैयार रहने में मदद मिलती है। आत्मरक्षा तकनीकों के माध्यम से लड़कियों को अपनी मूल शक्ति बढ़ाना सिखाया जाता है। गंभीर परिस्थितियों में अपने आप को बचाने के लिए मार्शल आर्ट प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि रणनीतिक तरीके से मारी गई एक कोहनी, एक तेज झटका या एक एक किक या पंच ही किसी हमलावर को रोकने के लिए पर्याप्त है। विद्यालय सुरक्षा और निरापदता को व्यापक दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए और उसे केवल संरचनात्मक और भौतिक सुरक्षा तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए। विद्यालय सुरक्षा का मुद्दा शारीरिक दंड से परे शारीरिक हिंसा, यौनिक, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक हिंसा तक जाकर अधिक जटिल हो गया है। स्कूलों को सुरक्षित और निरापद बनाने के लिए विद्यालय प्रबंधन, शिक्षकों, विद्यार्थियों, अभिभावकों और परामर्शदाताओं सहित विभिन्न गणधारकों के परामर्श से एक जवाबदेह ढांचे के साथ व्यापक दिशा निर्देश विकसित किए जा रहे हैं। रंगोत्सव, ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक पहल है जो राष्ट्र के युवा शिक्षार्थियों के बीच सांस्कृतिक विविधता के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए बनाई गई है। यहाँ मैं एक बात स्पष्ट कर दूँ कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय अब शिक्षा मंत्रालय के नाम से जाना जाता है। 29 जुलाई 2020 को इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है। विद्यालय आधारित सर्वेक्षण उपलब्धि, वार्षिक उपलब्धि आकलन देख लें। सीखने के परिणामों का निष्पक्ष रूप से मूल्यांकन करने के लिए इस विभाग ने पहले से ही नियमित अंतराल पर राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण NSA के संचालन की प्रक्रिया शुरू की है, जो एक बाहरी निष्पक्ष मूल्यांकन है। यह मात्रात्मक और गुणात्मक मूल्यांकन तकनीकी बाहरी निष्पक्ष मूल्यांकन के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण है कि अधिगम के वांछित परिणाम प्राप्त हो गए हैं। इस प्रकार से यह दोनों मूल्यांकन एक तार्किक निरंतरता बनाते हैं और आवश्यक हैं। यूथ क्लब और इको क्लब का गठन, स्कूल में यूथ क्लब जीवन कौशल विकसित करने, आत्मसम्मान का निर्माण करने, आत्मविश्वास और लचीलापन विकसित करने और तनाव, शर्म, भय के नकारात्मक भावनाओं का मुकाबला करने का एक साधन है। उपरोक्त के मद्देनज़र विद्यालय के सभी विद्यार्थियों के लिए यूथ और इको क्लब का गठन किया जाएगा, जहां वे विद्यालय के बाद और छुट्टियों के दौरान चर्चा, संगीत, कला, खेल और पढ़ने और शारीरिक गतिविधियों में भाग ले सकते हैं। परिवहन और परिवहन सहायक सुविधा, इस योजना में कक्षा 1 से 8 और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए परिवहन और परिवहन सहायक एस्कॉर्ट सुविधा के माध्यम से प्राथमिक स्कूलों तक बच्चों की पहुँच सुगम बनाने का प्रयास किया गया है। बहुत कम आबादी वाले क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों में जहाँ विद्यालय उपलब्ध नहीं है, कक्षा 1 से 8 के बच्चों या शहरी वंचित बच्चों को परिवहन की सुविधा प्रदान की जाती है। निःशुल्क वर्दी और पाठ्य पुस्तकें, 8वीं कक्षा तक के सरकारी स्कूलों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, BPL परिवारों से संबंधित सभी लड़कियों और बच्चों के लिए 2 जोड़ी वर्दी का यानी यूनिफॉर्म का आवंटन समग्र शिक्षा के तहत ₹400 से बढ़ाकर ₹600 प्रति बच्चा प्रतिवर्ष कर दिया गया है। CRC को मजबूत बनाना, क्लस्टर संसाधन केंद्र स्कूलों में शिक्षकों को प्रशिक्षण और ज़मीनी सहायता उपलब्ध कराने के लिए सबसे महत्वपूर्ण इकाई मानी जाती है। CRC को नियमित रूप से दौरे करने और विद्यालय के बेहतर प्रदर्शन हेतु शैक्षणिक मुद्दों और कार्यनीतियों पर चर्चा करने के लिए मासिक बैठक आयोजित करने की आवश्यकता है। BRC द्वारा रिपोर्टिंग, विद्यालय प्रबंध समिति प्रशिक्षण, समग्र शिक्षा के प्रतीक चिन्ह का प्रदर्शन, विश्वसनीय आंकड़े, जवाबदेही और पुरस्कार, UDISE यानी UDISE प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स PGI, शगुन पोर्टल, नवाचार भंडार, ऑनलाइन निगरानी, शगुनोत्सव, शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार, स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार, पुरस्कारों के लिए चयन पद्धति, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रयोग, गली गली, कर्नाटक में गणित कलिका आंदोलन, GKA कर्नाटक गतिविधि आधारित अधिगम ABL, तमिलनाडु का सपनों की उड़ान कार्यक्रम, मोबाइल विद्यालय उत्तराखंड के माध्यम से स्कूली बच्चों को शिक्षित करने की पहल, बहुभाषी शिक्षा ओडिशा, प्रज्ञा गुजरात की गतिविधि आधारित शिक्षण मॉडल, दोपहर का भोजन, मिड डे मील नए तरीके से, विद्यालय पोषण उद्यान की स्थापना, तिथि भोजन, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के साथ
खाना पकाने की प्रतियोगिता, समग्र शिक्षा MDM और कुछ सर्वोत्तम प्रक्रियाओं का क्रियान्वयन। तो ये था निष्ठा मॉड्यूल 14 के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। चलिए अब कुछ प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न एक है, इसमें समग्र शिक्षा एक एकीकृत योजना है जिसमें सरकार की 3 पूर्ववर्ती प्रायोजित योजनाएं हैं। ऑप्शन एक है सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय स्वयंसेवक शिक्षा अभियान मध्याह्न भोजन, दूसरा है सर्व शिक्षा अभियान राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा, सर्व शिक्षा अभियान राष्ट्रीय स्वयंसेवक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा, और चौथा है सर्व शिक्षा अभियान राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा मध्याह्न भोजन। तो इसका उत्तर है सर्व शिक्षा अभियान राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में समावेशी शिक्षा के इतिहास में एक मील का पत्थर है? ऑप्शन है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान 2009, नेशनल मीम्स कम मेरिट स्कॉलरशिप 2008, सर्व शिक्षा अभियान 2000, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय 1998। तो इसका उत्तर है सर्व शिक्षा अभियान 2000। प्रश्न 3, स्कूली शिक्षा से संबंधित सभी जानकारी प्रदान करने हेतु देश भर के 15 लाख स्कूलों को जोड़ने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया पोर्टल कौन सा है? पहला जिज्ञासु पोर्टल, दूसरा कार्तवीर्य, तीसरा शगुन और चौथा दीक्षा। तो इसका सही उत्तर है शगुन पोर्टल। प्रश्न 4 है, नेशनल अचीवमेंट सर्वे की आवश्यकता क्यों है? ऑप्शन एक बच्चे के ज्ञान का आकलन करने के लिए, सीखने के परिणामों का आकलन करने के लिए, देश की जनसंख्या का आकलन करने के लिए, शिक्षक के ज्ञान का आकलन करने के लिए। तो इसका उत्तर है सीखने के परिणामों का आकलन करने के लिए। राज्यों और संघ क्षेत्रों में समग्र शिक्षा को क्रियान्वयन संस्था कौन सी है? इसका उत्तर है राज्य का खजाना, राज्य परियोजना निदेशक का कार्यालय, राज्य का वित्त विभाग या राज्य क्रियान्वयन समिति। तो इसका सही उत्तर होगा राज्य क्रियान्वयन समिति। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्तमान समय में डेटा एकत्र करने के लिए सरकार द्वारा शुरू किया गया ऑनलाइन पोर्टल क्या है? कोई ऑप्शन एक है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शुल्क जमा पोर्टल, दूसरा दीक्षा ऐप, तीसरा UDIS शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली और चौथा है शाला दर्पण। तो इसका सही उत्तर है UDIS। प्रश्न 7 है, निम्नलिखित में से कौन से दोपहर का भोजन का दृष्टिकोण नहीं है? अतिथि भोजन, तिथि भोजन, खाना पकाने की प्रतियोगिता या विद्यालय पोषण उद्यान। तो ये इसका सही उत्तर है अतिथि भोजन। समग्र शिक्षा किन वर्गों में शामिल है? कक्षा 1 से 8, कक्षा 1 से 9, पूर्व विद्यालय से 12 तक या कक्षा 1 से 12। तो इसका उत्तर है पूर्व विद्यालय से 12 तक। नेक्स्ट है, प्रारंभिक स्तर पर राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण किन कक्षाओं में बच्चों की सीखने की उपलब्धि का आकलन करने के लिए किया गया है? कक्षा 3, 5 और 8, कक्षा 1 से 9, कक्षा 10 तक, कक्षा 3 से 9 तक। तो इसका सही उत्तर है कक्षा 3 से 9 तक। प्रश्न 10 है, समग्र शिक्षा के मुख्य घटक क्या हैं? पूर्व विद्यालयी शिक्षा, समावेशी शिक्षा, पढ़े भारत, बड़े भारत, आत्मरक्षा प्रशिक्षण, खेलो इंडिया, खिले इंडिया या स्वच्छ भारत अभियान। तो इसमें से स्वच्छ भारत अभियान को छोड़कर सभी जो ऑप्शन है वो समग्र शिक्षा के मुख्य घटक हैं। स्कूल शिक्षा से संबंधित सभी जानकारी प्रदान करने हेतु देश भर के 15 लाख स्कूलों को जोड़ने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया पोर्टल, तो यह है शगुन पोर्टल, ऑप्शन नंबर 3। दूसरा प्रश्न, समग्र शिक्षा किन वर्गों में शामिल है? तो यह है पूर्व विद्यालय से 12वीं तक, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। नेक्स्ट, समग्र शिक्षा योजना के मुख्य घटक, तो साथियों इसके लिए 6 मुख्य घटक दिए गए हैं। पहला पूर्व विद्यालय शिक्षा, दूसरा समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देना, तीसरा पढ़े भारत बड़े भारत, चौथा आत्मरक्षा प्रशिक्षण, पाँचवा खेलो इंडिया खिले इंडिया और छठवां स्वच्छ भारत अभियान। तो इसमें से पहले के 5 घटक सही हैं, तो हमें वही ऑप्शन चुनना होगा जिसमें पहले 5 घटक दिए गए हैं। तो ये है ऑप्शन नंबर 2, 1, 2, 3, 4, 5। नेक्स्ट, नेशनल अचीवमेंट सर्वे की आवश्यकता क्यों है? तो ऑप्शन नंबर 1, सीखने के परिणामों का आकलन करने के लिए। नेक्स्ट, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में समग्र शिक्षा की कार्यान्वयन संस्था कौन सी है? तो यह राज्य कार्यान्वयन समिति, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, समग्र शिक्षा एक एकीकृत योजना है जिसमें सरकार की 3 पूर्ववर्ती प्रायोजित योजनाएं हैं, तो इसका होगा ऑप्शन नंबर 4, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय मध्यम शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा। नेक्स्ट, वर्तमान समय में डेटा एकत्र करने के लिए सरकार द्वारा शुरू किया गया ऑनलाइन पोर्टल, तो यह है UDIS, शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली। अगला,
निम्नलिखित में से कौन दोपहर का भोजन योजना का दृष्टिकोण नहीं है? तो ये है अतिथि भोजन, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, प्रारंभिक स्तर पर राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण किन कक्षाओं में बच्चों की सीखने की उपलब्धि का आकलन करने के लिए किया गया है? तो ये है कक्षा 3 से 9 तक, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में समावेशी शिक्षा के इतिहास में एक मील का पत्थर है? ऑप्शन नंबर 1, सर्व शिक्षा अभियान 2000।